Üst taraf. Yeah.
इस तरफ से आ जाओ। अरे ओ लड़की, तुमने दो छोटे बच्चों को तो नहीं देखा? दो भागते हुए बच्चे नहीं देखे? वो दो थे भाग रहे थे। किस तरफ गए हैं? चलो चलते हैं। क्या किया है तुम दोनों ने जो वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? क्या हुआ है? दो इसे पानी, पी लो। कितना प्यासा है। तुम भी पी लो। सोच रहे हो तुम? पानी पियो, पी लो। क्यों इतनी देर से पानी पिया तुमने? नहीं मालूम। डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तो सिर्फ इसका जख्म देखना है। आओ बैठो यहाँ। तुमने जवाब नहीं दिया कि सिपाही तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं भी इसरार नहीं करूंगी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों भूखे भी हो। बिल्कुल मेरी तरह।
मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मेरे हाथ का खाना बुरा नहीं है, ऐसा हलवा तुम दोनों को खिलाऊंगी कि तुम लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। डरो मत, वो अजनबी नहीं है। हम अजनबी हैं। हम, मैंने कहा ना वो अजनबी नहीं है। कौन थे? दो भूखे बच्चे थे। फिर भाग क्यों गए? नहीं मालूम। हाँ तो क्या हुआ? वो जलील आदमी मानता ही नहीं, जितनी कीमत लग रही है मेरी वो राजी नहीं, 1000 सिक्के मांग रहा है वो। यानी तुम्हारी कीमत 1000 सिक्के के बराबर है? मजाक उड़ा रही हो? नहीं मेरा ये मतलब नहीं। तुम मुतमईन रहो, अब तो मेरी वो इज्जत नफ्स ही नहीं रही कि दूसरों के ताने देने से नाराज हो जाऊं, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं 1000 सिक्के के लायक हूं या नहीं। हकीकत यह है कि मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं जो मुझे आजादी की उम्मीद दिलाए। ये तो अच्छा है। क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त सारा शहर फर्जंदे पैगंबर के लिए सोगवार है? तुम इन हालात में किस तरह शादी के बारे में सोच सकते हो? पैगंबर के नवासे को तुम कूफियों ने कत्ल किया है और अब उनका सुख मना रहे हो? ये बातें किसी और वक्त के लिए छोड़ दो, मैंने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया है, मुझे अब घर जाना है। फिर हमारी शादी का क्या होगा? शादी? मैं किस तरह ऐसे शख्स से शादी करूं जो खुद एक गुलाम है? कौन से घर से ले जाओगे मुझे? नहीं फूले, जब तक हारिस जैसे जलील शख्स की गुलामी का तौक तुम्हारी गर्दन में है मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, जो दरअसल तुम्हारा घर ही नहीं है। तुम पहले अपने आप को इस कैद से आजाद कर लो, फिर मुझसे शादी के बारे में सोचो। फिर तो मुझे चोरी चकारी करना पड़ेगी। जो बेहतर समझो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर वहां जाकर मैं मारा गया तो? क्या तुम मुझे छोटी सी बच्ची समझ रहे हो जो इस तरह डरा रहे हो? इस दुनिया में मेरा एक बूढ़ा बाप है, अगर मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई तो वो मेरी जुदाई में मर जाएगा। वैसे भी मैं किसी की कनीज बनना पसंद नहीं कर सकती, बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई और लड़की तलाश करो। तुम लोग अपने हुजरे बंद करके किस लिए मातम और आजादारी में बैठे हुए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बागियों को उनकी नाफरमानी की सजा दी गई थी, और फिर तुम लोगों को इस बात से क्या गरज है? वैसे भी ये खलीफा का हुक्म है कि काफिरों को ना छोड़ा जाए और इन्हें सजा दी जाए। ओ इब्ने हमरान, जिसे तुम काफिर कह रहे हो उसी पैगंबर का नवासा है जिसकी वजह से आज मैं और हम सब लोग मुसलमान हैं। क्या तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो? हाँ बिल्कुल। अगर मुसलमानी ये है कि शोक के बहाने अपना कारोबार बंद करके ममलकत इस्लामी के सारे उमूर को मफलूज करके अपनी शोहरत में इजाफा करो, तो बताओ मुझे ये इस्लाम है या कुफ्र? ये हरगिज़ इस्लाम नहीं बल्कि कुफ्र की दलील है, और जो भी ऐसा करेगा वो काफिर और खारिज अज़ इस्लाम है। गिरफ्तार कर लो इसे, जमीन पर लिटा दो इसे। बोलो, आइंदा के लिए तौबा करते हो या जिंदा जला दिया जाए तुम्हें? हाँ हाँ तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ।
कहो कि मुझे खलीफा पर ईमान है। मैं पैगंबर के खलीफा पर ईमान रखता हूँ। कहो कि मुझे खलीफा पर ईमान है। जल्दी बोलो, मुझे खलीफा पर ईमान है। मुझे खलीफा पर ईमान है। खलीफा पर। अपने हुजरे में चला जा, जल्दी कर। ये किसका हुजरा है? इस आदमी का। क्या काम है तुम्हारा? अत्तारी हूँ। अच्छा, तो तू वही है जो यहाँ लोगों से हुसैन इब्ने अली के लिए बैत लिया करता? वो जमाना गुजर गया। अगर गुजर गया है तो फिर तुम क्यों अपना हुजरा बंद करके हुसैन इब्ने अली का शोक मना रहे हो? इत्र है तुम्हारे पास? हाँ, इत्र है मेरे पास। अगर तुम्हारे हुजरे को जला दूं तो पूरे कूफे में खुशबू फैल जाएगी। तौबा करते हो या कूफे को खुशबूदार कर दूं? मैंने कुछ किया ही नहीं जिसकी मैं तौबा करूं। तुम तौबा करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इस हुजरे को जलाकर कूफे को खुशबू से मुअत्तर करना होगा। ओ काफर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये उस शख्स की सजा है जो अमीर के दुश्मनों पर बहुत मेहरबान हो रहा है। ओ काफर, मैं अपने बीवी बच्चों की रोजी इसी हुजरे से कमाता हूँ। जल्दी से इसे हुजरे में फेंक दो। मेरी बात नहीं सुनी क्या? इसको हुजरे के अंदर छोड़ दो। मुझे जल्दी करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चलो अंदर। बचाओ, बचाओ, मदद करो, मदद करो। घबराओ मत, मैं हूँ। तुम दोनों अचानक कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था ना कि वो अजनबी नहीं है। लेकिन मैंने भी कहा था कि हम अजनबी हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि वादे के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए हलवा ना पका कर ला सकी। हमने भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि आप अपने वादे पर अमल करेंगी। कितनी खूबसूरत बातें करते हो। तुमने ये क्यों उम्मीद नहीं रखी कि मैं अपने वादे पर अमल करूं? क्योंकि आप भी कूफे के रहने वाली हैं और कूफे के लोग कभी अपने किसी वादे पर अमल नहीं करते। कितना दुख है तुम्हारे दिल में। ऐसा क्या सलूक हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे बाबा को मार दिया है। इब्राहिम, क्या मुझे नहीं कहना चाहिए था? तुम्हारे बाबा को किस लिए मार दिया गया? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? क्या नाम है तुम्हारे पापा का? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझ पर भरोसा करो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या आपने नहीं कहा था कि आप बहुत मसरूफ हैं? फिर जाएं और अपना काम करें, हमें तो तन्हाई की आदत हो गई तुम है। तुम लोग वही तो नहीं हो जो मैं समझ रही हूँ। आप क्या समझ रही हैं? यही कि हुसैन इब्ने अली के रिश्तेदार तो नहीं हम? कहाँ हुसैन इब्ने अली कहाँ? तो फिर कौन हो तुम दोनों जो सिपाहियों से डर कर भाग रहे थे? फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं। मुझे इस वक्त तुम दोनों को छुपाने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। लेकिन कौन सी जगह? तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आ रही हूं। लेकिन देखो, यहां से बाहर मत निकलना तुम दोनों, ठीक है?
तुम इस बाजार से कुछ खरीदते क्यों नहीं हो? मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। बकवास ना करो, तुम्हें कुछ खरीदना होगा ताकि शहर के हालात मामूल पर आ जाए। मैं ख्वामखा क्यों कोई चीज खरीदूं? खरीदते हो या कैद होना चाहते हो? एक दरहम की दे दो। अबे ओ, तुम दोनों से कह रहा हूँ। इब्ने अमरान। हाँ देख रहा हूँ। यहाँ आओ तुम दोनों। हमारी तो शामत आ गई। इसे बिल्कुल ना बताना कि वो दो बच्चे हमारी कैद से फरार हो गए। क्या मैं पागल हूँ जो ये बात करूँगा? मेरे ख्याल में तुम दोनों असीरों के काफले के साथ थे, यहाँ क्या कर रहे हो? हम मुस्लिम के बच्चों को तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम इब्ने अकील। वो असीरों के काफले से भाग गए थे, उन्हीं को तलाश करने के लिए भेजा गया है हमें। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम दिन रात उन दोनों को तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम इब्ने अकील, ठीक है, तलाशी जारी रखो दोनों की। आप फिक्र ना करें, वो जहां भी छुपे होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फिर यहां खड़े होकर अहमकों की तरह क्यों मुझे देख रहे हो? जाओ जल्दी, और हाँ, इस सिलसिले में किसी से भी कोई बात ना करना। कोई भी मसला पेश आए तो मुझे बता दे। जी जनाब, चलो चलते हैं, चलो। हाँ मुस्लिम, सुना तुमने? तुम्हारे बच्चे खुद चलकर मौत के दरवाजे पर आ गए हैं। ओ, खालिद की बेटी, क्या खूब मौके पर आई हो। प्यास से मेरे होंठ खुश्क हो गए हैं। तुम्हारे बाप से कहा था कि तुम्हें कुएं के पास ना जाने दिया जाए। यानी हम प्यास से मर जाएं? नहीं, मेरा मतलब है जहां वो कुआं है वहां पर आवारा लड़के जमा होते हैं। क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? मैंने बहुत पहले ही अपना फैसला कर लिया था। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो वहाँ कुएं के पास दो यतीम और भूखे बच्चों को देखा, मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने सोचा उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं। कुएं के पास थे वो? हाँ। वहाँ सिर्फ वो थे या कोई और भी मौजूद था? वैसे तो वहाँ और भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे उन बच्चों पर रहम आ गया, वो बहुत मासूम थे। हाँ, यतीमों को खाना खिलाना सवाब का काम है। लाओ खाना मुझे दे दो ताकि उन यतीमों के लिए ले जाऊं। आप लेकर जाएंगे? क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा गुनाहगार बाप भी इस सवाब में शामिल हो जाए? क्यों नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो आपसे खाना नहीं लेंगे। ताज्जुब है। मैं सच कह रही हूँ बाबा। लेकिन मेरे ख्याल में हकीकत कुछ और है और तुम कुछ और कह रही हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आइंदा उस गुलाम से तुम नहीं मिलोगी? लेकिन बाबा, मैं ये खाना उन दो यतीमों के लिए लेकर जा रही हूँ। सुनो लड़की, अगर तुम समझ रही हो कि अपने बाप को धोखा दे दोगी तो यह तुम्हारी भूल है। तुम अब उस कुएं के पास नहीं जा सकती हो। फिर वो यतीम बच्चे? मुझे और कहानियां मत सुनाओ, मैंने सारी उम्र तुम्हें कहानियां सुना सुनाकर सुलाया है।
इब्राहिम कहाँ है, किधर है, क्या ढूंढ रहे हो तुम इब्राहिम? पता नहीं क्या हुआ है, मैं उससे करीब हो रहा था कि फिर अचानक जाग गए। यानी मैं सो रहा था। काश मैं इस ख्वाब से बेदार ना होता एक लम्हे के लिए। और आ जाओ इब्राहिम, सो जाओ कि हमें बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे खाना खाने या न खाने से मेरे फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर एरे गहरे और राह चलते के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकते। मुझे उन दो यतीम बच्चों की बहुत फिक्र है। पता नहीं वो वहां पर होंगे भी कि नहीं। दस्तरखान समेट लो। अगर उस गूंगी लड़की ने हमसे झूठ बोला है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मुस्लिम के बच्चे यहाँ पर थे तो इसका मतलब है उस लड़की ने हमसे झूठ बोला था। वो एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर देखना। घबराओ मत इब्राहिम, परेशान मत हो। बस करो, दफा हो जाओ यहाँ से। बस करो, दूर हो जाओ यहाँ से। आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी मैंने। तुम परेशान मत हो, दूर हो जाओ यहाँ से। कोई है या जो हमारी मदद करे? घबराओ मत, तुम दोनों घबराना मत, मैं आ गई हूँ। सिपाही आ रहे हैं, हमें निकलना होगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो।
रो क्यों रहे हो? मर तो कभी नहीं रोता, और वो भी तुम दोनों जैसा बहादुर। कोई आ रहा है, चलो चलो आओ मेरे साथ, चलो। मुझ में तो अब हौसला नहीं रहा। तो फिर चलो शहर की तरफ चलते हैं, गलियों में कहीं होंगे, वहीं पकड़ लेंगे उन्हें। चलो चलते हैं। जहन्नम में चले गए। आओ आओ बैठो यहाँ, भूख लग रही है ना? चलो ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं ताकि आगे चलने की ताकत आ जाए। तुम दोनों की बातों से मैं परेशान हो गई हूँ। देखो अपने आप को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी माँ जिंदा है क्या? क्यों कुछ नहीं बताते? अगर तुम लोग मुझे सही बात नहीं बताओगे तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? तुम दोनों इब्ने हमरान के हाथ लग जाओगे और वो तुम्हें जान से मार देगा। अपनी जान के दुश्मन ना बनो, अगर मुझे कुछ बता दोगे तो शायद महफूज हो जाओ। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारे पापा कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे ख्याल में आपको बताने का कोई फायदा नहीं। ऐसा समझते हो? बहुत अच्छा, अगर बता देती तो मैं शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाती। मैंने कहा ना आपको बताने का कोई फायदा नहीं, इस शहर के लोगों की बातों का कोई एतबार नहीं, यहाँ के लोगों को दूसरों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं, इन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। पता नहीं उन लोगों में अचानक यजीद का मुकाबला करने का शौक कैसे पैदा हो गया। ओ मेरे मालिक, तुम कितने इत्मीनान के साथ बातें कर रहे हो। बताओ मुझे कौन हो तुम दोनों ताकि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। अगर वाकई ऐसा है तो बताता हूँ। इब्राहिम परेशान मत होना भाई, अगर वाकई आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो आप हमें काजी के घर पहुँचा दो। काजी के घर? काजी शुरई? अजीब बात है, तुम लोग एक तरफ तो उन सिपाहियों से भाग रहे हो और दूसरी तरफ इस आधी रात को काजी के घर जाने का सोच रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि वो शहर में दाखिल हो गए हैं? मुझे नहीं मालूम। फिर क्यों कहा कि वो शहर की तरफ गए हैं? मुझे ऐसा ही लग रहा था।
बाबा बाबा बाबा, क्या हुआ तुम्हें इस आधी रात को? आपके मेहमान आए हैं, उनसे कहो कल आ जाएं। वो कहते हैं हम मुस्लिम के रिश्तेदार हैं। ये कौन सा वक्त है मेहमान नवासी का, कह दो कल आ जाएं। मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील खुद मुस्लिम तो नहीं, शायद उनके बेटे हैं। मुस्लिम के बेटे 10-12 साल के हैं। नींद उड़ा दी तुमने मेरी। अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूं। यकीन के साथ कह रहा हूं कि गर्द आलूद और खौफ सदा बच्चे यहां आए हैं और उनका दावा है कि वो मुस्लिम के उनके साथ क्या सलूक हुआ है? मेहमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है? वो बाहर सहन में इंतजार कर रहे हैं। बेवकूफ कहीं का, ये क्या अहमकाना हरकत की है तुमने? उनको मेरे घर के अंदर आने की इजाजत क्यों दी तुमने? तलीहा ने घर का दरवाजा खोला है उनके लिए। तलीहा जाहिल कनीस, क्यों दरवाजा खोला उसने? क्या करूं अब, बाहर निकाल दूं उनको? नहीं, उनको यहां ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे प्यारे बाबा जान, इस शहर के काजी साहब। जाओ अब। मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे कूफे में, और वो भी मेरे घर में, यहां क्या करने आए हैं? मुस्लिम बिन अकील के बेटे, मेरे आका। चचा जान। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इब्राहिम। इब्राहिम, तुम कितने बड़े हो गए हो इब्राहिम? उन्होंने सबको मार डाला, मेरे चाचा को भी, अब्दुल्ला और अकबर को भी मार डाला। सब जगह आग लगा कर लोगों ने खवातीन को मारा पीटा, उन्होंने सबको कत्ल कर दिया। तुम दोनों यहाँ कूफे में क्या कर रहे हो? हम वहाँ से भाग आए। कहाँ से? काफले से, असीरों के काफले से? किस तरह? उन्होंने इब्राहिम पर बहुत तशद्दुद किया, बिलाखिर हम वहां से भाग गए। भाग निकले, लेकिन भागते हुए ये न सोचा कि कहां पना लोगे? इस शहर में उबैदुल्ला के दुश्मनों के बेटों के लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारे बाबा के पुराने दोस्त हैं। हाँ, हाँ, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ। लेकिन तुम दोनों असीरों के काफले से फरार होकर आए हो, कोई तुम लोगों का ताकुब तो नहीं कर रहा? कर तो रहे थे, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाए। तुम दोनों को मेरे घर का कैसे पता चला? एक लड़की जो हमारे लिए खाना लेकर आई थी, उसने हमें आपके घर तक पहुंचाया था। लड़की? कौन सी लड़की? हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे।
किसी और को भी ये मालूम है कि तुम दोनों मेरे घर आए हो? नहीं। असद, जाओ तलिया से जाकर कहो इन दोनों के लिए बिस्तर बिछा दे ताकि ये आराम कर सके। जाओ। चाचा जान, अगर आप कहें तो हम यहाँ से चले जाएं। कहाँ जाओगे? इस शहर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।